नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स. सो टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ओके, सो जो टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म है उसको दो में डिवाइड करेंगे, टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एक्ट विल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एक्ट विल. सो द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एक्ट विल. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप जो भी फॉर्म हो रही है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब वो पीरियड क्या है डिफाइन नहीं है कि वो कितने ईयर्स तक वो कंटिन्यू रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. ये इस काइंड ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, वो तब तक कंटिन्यू रहती है विद द विल ऑफ द पार्टनर्स, कि जब तक उन सारे जो भी पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट और इनका विल है. एंड कम्स टू एन एंड वेन एवर पार्टनर डिजायर्स सो. और ये एंड तब हो जाती है जब जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसको एंड करना है. सो एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. ठीक है, कोई भी पार्टनर क्या है वो नोटिस दे देता है डिसोल्यूशन का कि एंड करना है इसको फर्म को, देन पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है. तो ये पहला क्या था, पार्टनरशिप एक्ट विल. तो ये पूरा बेसिकली इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो एंड करेंगे. अगर उन्हें एंड करना है तो एक सिंपल सा एक नोटिस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. सो द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप क्या है वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बन रही है, लाइक 3 ईयर्स के लिए है कि वो 5 ईयर्स के लिए. सो इट इज़ नोन एज द फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. ठीक है, ये पार्टनरशिप क्या है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है कि 3 साल के लिए चलेगी, कि 5 ईयर्स के लिए चलेगी, 3 ईयर्स और दी 5 ईयर. इसको क्या बोलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, क्योंकि ये हम लोग जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे, ड्यूरेशन के, टाइम पीरियड के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड. ये जो है पार्टनरशिप क्या है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. अगर ये 5 पीरियड का क्या है, डेट एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है, तो वैसे ही ये पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सो द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप क्या है, विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, कि वो क्या है, इतने दिन तक इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, कि अगर ये कंस्ट्रक्शन अगर डैम के लिए है तो वो डैम बन रहा है, जब तक वो डैम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर. ठीक है, जैसे ही वो वेंचर, जैसे ही वो वर्क है, वो बिजनेस, वो ख़त्म हो जाएगा, वो वर्क ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, वैसे ऑटोमेटिकली ये जो है पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें दिया है, इफ टू पर्सन जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के लिए कोई भी दो पर्सन क्या किए, ज्वाइन किए हैं, देन दीज टू पर्सन मे फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज. फिर वो पर्सन क्या है, दोनों पार्टनरशिप को फॉर्म करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. व्हेन ब्रिज गेट कंस्ट्रक्टेड, जब ब्रिज क्या हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्ट बन जाएगी एंड इज रेडी, वो तैयार हो जाएगी, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. ऑटोमेटिकली वो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी. सो ये था टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे था. अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप. नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, की जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी पे बेस्ड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप. टू टाइप्स के पार्टनरशिप होती हैं, फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड सेकेंड वन इज
limited liability partnership, the partnership in which liability of all the members is unlimited. Partnership जिसमें liability, जो भी liability है all the members की, वो क्या होती है? Unlimited होती है. Means unlimited वो liability ले सकते हैं. It is known as general partnership. उसे हम लोग general partnership कहते हैं. Which means if the asset of the firm are not enough, then creditor can settle their account by having claim over the personal property of the partner. ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर if the asset of the firm are not enough, जब जो भी firm का asset वो enough नहीं है कि सारा debt को pay कर सके, तो उस condition में क्या करेगा, creditor can settle their account. Creditor क्या करता है, अपने account को settle कर सकता है by having claim over the personal property of the partner, कि जो भी personal property है partner की उस पर claim करके वो पूरा अपने amount को, क्योंकि creditor ने तो payment दिया है, creditor ने तो क्या किया है, creditor ने fund provide किया है, तो वो क्या करेगा, वो एक claim भी कर सकता है कि अगर जित business के asset से fulfill नहीं हो पा रहा है, इस condition पे क्या है, personal property पे कोई भी creditor क्या है, किसी भी partner के personal property पे भी claim कर सकता है. तो इस condition पे क्या करना पड़ेगा, partner को अपने personal property को sold out करके सारा payment करना पड़ेगा. So each partner of the general partnership firm can actively participate in the activities of the firm. ठीक है, जो भी partner है general partnership में, वो क्या करते हैं, जो भी फर्म की एक्टिविटीज़ है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप फर्म. इंडिया में सारे ही क्या हैं, जनरल पार्टनरशिप फर्म ही हैं. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सो द पार्टनरशिप विच इज़ इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म. ओके, तो पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर, जो भी लाइबिलिटी ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर, एक पार्टनर की छोड़ के सारे जितने भी पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, उस एक्सटेंट पे जितना उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में शेयर किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप. इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट. इंडिया में कब हुआ था ये इंट्रोड्यूस, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाई द इनेक्टेड कैसे, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 2008 में ये इंडिया में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. ओके, सो इट इज़ योर टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वी हैव डिस्कस पार्टनरशिप एट विल, fixed period partnership, particular partnership, general partnership and the limited liability partnership. Next is the main feature of the limited partnership. Jo main feature kya hai limited partnership ke, so the liability of at least one partner must be unlimited. Jo bhi liability hai ek partner ki limited partnership mein, ek partner ki jo liability hai wo unlimited hogi. The liability of all other partner can be limited. जो भी liability है other partner की वो क्या होगी, वो limited होगी to extent of their capital contribution in the partnership firm. कि उस extent पे होगी कि जितना उन्होंने capital contribution किया है किसी भी partnership firm में. Third is the partners with the limited liability are called the special partner or the limited partner. जो partner जिसकी liability, जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर्स बोलेंगे. द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जिन पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर. तो जो स्पेशल पार्टनर है दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वो फर्म के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स. जो स्पेशल पार्टनर है उन्हीं के पास राइट है कि वो अकाउंट को क्या करे, इंस्पेक्ट करे. सो द स्पेशल पार्टनर कैन विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर सो. कि जो भी स्पेशल पार्टनर है वो विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप को क्या करेगा, विथड्रॉ कर सकता है वेन एवर ही डिज़ायर. जब भी उसको है कि जब वो चाहता है कि वो
व्हेनेवर ही डिजायर्स हो, जब वो चाहता है कि अपने आप को विथड्रॉ कर ले फ्रॉम द पार्टनरशिप, ही और शी कैन डू ईजली. द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ द स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है और वो इनकैपेसिटी हो जाती है, वो कैपेबल नहीं है, तो इस केस में क्या है कि स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो वो क्या है, स्पेशल पार्टनर अगर कोई भी कंडीशन डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी की वजह से, वो क्या है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप फर्म की, वो अफेक्ट नहीं होगी. ओके, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो ना, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड बेस्ड ऑन द लायबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, सो इट इज योर टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स के कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, सॉरी. सो इन पार्टनरशिप फर्म देयर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में इस टाइप के डिफरेंट काइंड के पार्टनर्स हो सकते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर कौन से है? सो द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो भी एक्टिव पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में पार्टिसिपेट करेंगे. हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, वो कैपिटल भी फर्म में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और द लॉस ऑफ द कंपनी, वो क्या करेंगे, कंपनी में प्रॉफिट और लॉस को भी क्या करेंगे, शेयर करें. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और द डॉर्मेंट पार्टनर. ये क्या होते हैं, तो द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो भी पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर. ठीक है, जो भी ये जो पार्टनर हैं वो क्या होंगे, बाउंड होंगे द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर, कि जो भी एक्टिव पार्टनर उनसे बोलेंगे, उनकी सारी बातों को उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बाउंड. दीज पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट, और ये पार्टनर क्या है, कैपिटल भी शेयर करेंगे एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. और वो क्या है, शेयर भी क्या करेंगे, शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, फर्म में प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेंगे. एंड द लायबिलिटी ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड, और जो लायबिलिटी है स्लीपिंग पार्टनर की, वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएशन और रिलेटेड विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर्स. ठीक है, जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं, वो होते हैं जो एसोसिएशन में होते हैं और रिलेशन विद द फर्म, वो रिलेशन में है, फर्म में है, बट इट इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइडर. जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी अदर्स ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, क्योंकि वो सीक्रेट होता है. ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है. पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में. हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर, कि ये नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं. सो द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, वो फर्म के रियल पार्टनर नहीं होते हैं. दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये पार्टनर क्या है, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते. डू नॉट हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं होती. डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और कोई भी शेयर और प्रॉफिट भी कंपनी के, फर्म के शेयर नहीं करते. द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम,
क्या है, जो नॉमिनल पार्टनर है वो अपने बस एक नेम को यूज़ करते हैं, रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और अपने रेपुटेशन को यूज़ करते हैं फर्म की बेनिफिट के लिए. ही इज़ लायबल टू द आउटसाइडर, वो क्या है, लायबल, दे आर लायबल टू द आउटसाइडर, वो आउटसाइडर्स के लिए क्या है, लायबल है फॉर द डेट, जो भी डेट है, विच आउटसाइडर हैव गिवन टू फर्म बिलीविंग ही इज़ अ पार्टनर इन डैट फर्म, ये बिलीव करके कि जो जो रेप्यूटेशन के लिए जो नॉमिनल पार्टनर है वो उससे बिलोंग करता है, इस रिलेशन के साथ ही वो क्या करते हैं, वो ईजिली क्या है कि आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म, वो डेट भी ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर, फर्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो एस्टॉपल मीन्स रिस्ट्रिक्शंस. So firstly, we will deal with the normal partner by estoppel. So the person who accept that he is a partner in the partnership firm by his own words or the conduct is known as nominal partner by estoppel. ठीक है, the person who accept, कोई भी person है जो खुद accept कर रहा है कि he is the partner इन दी पार्टनरशिप फर्म, कि वो खुद पार्टनर है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में बाय हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में और खुद के कंडक्ट में वो बोल रहा है कि ही इज़ द पार्टनर इन दी पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज द नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल. सो ही इज़ लायबल फॉर द डेट विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेप्यूटेशन. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लायबल होगा किसी भी डेट के लिए विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन, क्योंकि वही क्या है, उसी की रेप्यूटेशन की वजह से ही कोई भी फर्म क्या है उसको ईजली क्या है डेट मिल जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि एक्स क्या है, कोई भी एक इंडिविजुअल एक्स है, मिस्टर एक्स वो क्या है, एक्टिव पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के लिए, फर्म में अप्लाइज फॉर अ लोन, वो क्या है, वो लोन के लिए अप्लाई किया. मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर, जो मिस्टर ए है दूसरे वो पार्टनर नहीं है, रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव लोन टू फर्म. ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो फाइनेंसर को, मिस्टर ए क्या किया, रिक्वेस्ट किया फाइनेंसर को जो फंड प्रोवाइड करेगा, टू गिव लोन, कि वो लोन प्रोवाइड करे टू द फर्म एज ही इज ऑल्सो पार्टनर इन दैट फर्म. इन देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एट द नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल. उस कंडीशन पे जो भी मिस्टर ए है वो क्या करेगा, फाइनेंसर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या करिए, लोन क्या है फर्म को प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्टनर इन डैट फर्म, कि वो भी क्या है पार्टनर है फर्म का. देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एट द नॉमिनल पार्टनर बाय द स्टॉपल. फिर उस कंडीशन पे क्या होगा कि मिस्टर ए को नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल क्या उनको कहा जाएगा. ठीक है, सो इफ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन, देन द फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम द मिस्टर ए. ठीक है, अगर पार्टनरशिप क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म क्या है वो फेल हो जाती है, कि जितना भी उसने लोन लिया था उसको पे नहीं कर पा रही है, तब क्या है, फाइनेंसर जो भी है वो क्या करेगा, वो क्लेम किसको करेगा, मिस्टर ए को, क्योंकि उसी के ही थ्रू तो लोन मिला था. अब जो है, जो फर्म है वो फंड प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, सारा डेट को पे बैक नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो मिस्टर ए ही क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि सारा पे जो भी लोन लिया है उसको पे बैक करने को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट The partner who does not call himself as a partner in the firm, but who does not object when other call him as a partner in the firm. So he is the call as the partner by holding out. कि जो भी partner है उसी firm का, partnership firm का, वो अपने आप को क्या है, partner नहीं बोलता है. और अगर कोई और उसको other call him as a partner, अगर उसको other जो member, other जो भी people हैं उसको अगर partner बोलते हैं तो वो उस पर objection भी नहीं करता है. तो उसको ही क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या है कि वो पर्सन खुद को एक्सेप्ट करता है एज अ पार्टनर, बट नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, वो खुद को
पार्टनर नहीं बोलता है, अगर कोई इसको पार्टनर बोल भी दिया तो वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है, देन ही इज कॉल्ड द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो द पार्टनर इन द फर्म. कि मिस्टर एक्स क्या है, कोई पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो मिस्टर ए इज, तो वो ये कह रहा है कि मिस्टर ए भी क्या है, ही और शी इज ऑल्सो द पार्टनर इन द फर्म. एंड मिस्टर ए शो नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ द मिस्टर एक्स. और मिस्टर ए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं कि जब मिस्टर एक्स बोल रहा है कि ए भी पार्टनर है, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर बाई द होल्डिंग आउट. उस कंडीशन पे क्या है, मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, कि वो अपने आप को पार्टनर बोल भी नहीं रहा है, और जब कोई उसको पार्टनर बोल रहा है तो वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है. ही विल लायबल टू पे बैक द डेट. वो क्या है, लायबल है कि वो जो भी जितने भी डेट है उसको पे बैक करे, विच द कंपनी गॉट बाय हिज नेम. जो कंपनी क्या है, जो भी फर्म क्या है, वो उसको मिली है बाय यूजिंग हिज नेम. उसके नेम को यूज़ करने के बाद जो भी लोन मिला है तो उसके लिए लायबल है कि वो सारा पे बैक करे. ओके, तो ये आपका क्या था, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल एंड द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नाउ द नेक्स्ट वन इज माइनर पार्टनर, सॉरी माइनर पार्टनर. सो द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसके अंडर ही रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या करती है, वो परमिशन नहीं देती है किसी भी माइनर को कि वो पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में बन जाए. द माइनर कैन ओनली द एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. माइनर क्या है, वो कैसे एडमिट होगा, कैन ओनली बी एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. कि जो भी फर्म एग्जिस्ट कर रही है उसको बस एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा. माइनर पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल. माइनर पार्टनर जो होते हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कैपिटल को. दीज पर्सन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. वो जो पार्टनर्स होते हैं माइनर पार्टनर, उनको कोई भी पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर. जो माइनर पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर लायबल टू द आउटसाइडर. वो आउटसाइडर को लायबल भी होते हैं. ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस. ठीक है, उनको कोई भी लॉस में इनका शेयर नहीं होता, बट ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट. उन्हें प्रॉफिट मिलेगा बट कोई भी लॉस को उनको शेयर नहीं करना पड़ेगा. सो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी द माइनर हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट. कि अगर वो माइनर मीन्स कि जो क्या है बिलो द एज है, ठीक है, तो जैसे ही वो क्या है एज ऑफ उसकी मेच्योरिटी हो मेजॉरिटी की हो जाएगी, द माइनर हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस. वो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, इसमें ये बताना पड़ेगा वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट. कि वो एज अ पार्टनर फर्म में रहेगा या नहीं रहेगा. इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड. अगर वो कोई भी नोटिस नहीं देता है जो भी प्रिस्क्राइब जो भी पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा, देन ही विल डीम टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म. तो उसको क्या है एज अ एक्टिव पार्टनर किसी भी फर्म में ले लिया जाएगा. सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी, जैसी एज ऑफ मेजॉरिटी वो अटेन करता है, देन ही विल हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड. उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, वो अनलिमिटेड हो जाएगी. एंड ही विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट. और वो क्या है प्रॉफिट में शेयर भी करेगा एंड द लॉस ऑफ द कंपनी. और कंपनी में वो लॉस भी वो शेयर करेगा. He will also be allowed to participate in the management like any other active partner. ठीक है, वो participate भी management में करेगा जैसे कोई other active partner करते हैं वैसे ही वो करेगा. But जब तक वो minor रहेगा तो कोई भी participation उसका नहीं होगा. But he or she will only share the profit and does not share any kind of the loss. Okay? तो यहाँ पर आप देखो एक जो types of partner का एक कंपैरेटिव दिया है कि उनको किस में किस में उसके क्या हैं सारे अचीवमेंट हैं, एज वेल एज उनको कहाँ पे फुली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं. तो पार्टिसिपेशन कहाँ पे,
तो एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके, वो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे ऑल्सो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं। लाइबिलिटी उनकी क्या होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और द डॉर्मेंट पार्टनर, वो क्या होते हैं? वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, और वो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, उनकी भी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर क्या होते हैं? वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट सीक्रेटली, किसी को पता नहीं होता है थर्ड पार्टी को, एंड गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या है, उन्हें शेयर मिलता है, एंड लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर, जिसमें पार्टनर बाय स्टॉपल एंड द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो दे डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो बस एक किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ रेप्यूटेशन के लिए रखे जाते हैं, जैसे ईजली हो जाता है कि किसी भी पार्टनर को लोन वोन लेने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, तो ये लोग क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, डज नॉट गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, उन्हें कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी नहीं मिलता। उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी फॉर द डेट विच पार्टनरशिप फॉर्म एक्वायर्ड बाय यूजिंग देयर नेम, कि लाइबिलिटी किसकी है? डेट की है, जो भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म क्या है एक्वायर कैसे करता है? बाय यूजिंग हिज और हर नेम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होगा। सो अ पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। ये पार्टनरशिप फॉर्म कैसे फॉर्म होता है? कि जब दो और दो से ज़्यादा, व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वो क्या है, किसी एग्रीमेंट में एंटर करते टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए, दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ये जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आगे इन लोग के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, तो ये हमेशा एडवाइस की जाती है कि ये क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सो आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट को साइन करने के बाद द पार्टनरशिप फॉर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या है, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड, ये कंपल्सरी नहीं है कि फॉर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बट पार्टनर ऑफ द फॉर्म प्रेफर टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड, बट जो भी पार्टनर है फॉर्म के वो प्रेफर करते हैं कि फॉर्म रजिस्टर हो जाए, बिकॉज अ रजिस्टर्ड फॉर्म गेट सम बेनिफिट, कि जो भी रजिस्टर्ड फॉर्म है, जिनका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं विच अनरजिस्टर्ड फॉर्म्स डू नॉट गेट, जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज़ द स्टैम्प्ड पेपर, ये क्या होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, ऑन विच रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन, जिसमें क्या है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के रिटन होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें क्या है, सारी राइट और ड्यूटीज़ भी पार्टनरशिप फॉर्म की रिटन होती है। द कॉमन कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर, जो कॉमन कंटेंट है पार्टनरशिप डीड के, उसमें क्या क्या होते हैं, फर्स्ट आपका होता है नेम ऑफ द फॉर्म, कि फॉर्म का नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर हैं उनका नेम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस द फॉर्म विल कैरी ऑन, कि किस टाइप का बिजनेस वो लोग कंटिन्यू करेंगे, कैसा प्रोडक्शन करेंगे। प्लेस ऑफ द बिजनेस, की जो भी बिजनेस है, जो भी उनका ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि जो भी जितने भी पार्टनर है वो कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, की जो भी प्रॉफिट कितने रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे,
कि 3:3 करेंगे या 3:3:2 करेंगे, या इट इज़ टोटली डिपेंड कि कितने पार्टनर हैं, कि 60-40 में करेंगे या 50-50 करेंगे या 20-30 and 30:20 अगर 4 पार्टनर हैं तो ये उसी में ये डिसाइड होता है कि किस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि जो भी राइट और ड्यूटीज है पार्टनर की मैनेजमेंट की बिजनेस को मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ द मेंटेनिंग अकाउंट, कि कैसे वो लोग जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, जो भी बैलेंस शीट असेट लाइबिलिटीज, उसको कैसे वो मेंटेन करेंगे. द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, कि जो जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाई द पार्टनर ऑन अमाउंट विथड्रॉन बाई देम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा टू बी पेड बाई द पार्टनर, जो पार्टनर पेड कर रहे हैं ऑन अमाउंट विथड्रॉन बाई देम, कि वो लोग जितना अमाउंट को विथड्रॉ किए हैं. एंड द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, की कितनी सैलरी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको मिलेगी. प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटायरमेंट एंड द डिसोल्यूशन, कि कैसा प्रोविजन है उनका रिटायरमेंट और उनके डिसोल्यूशन का, कि डिसोल्यूशन अगर हो जाता है वो लोग को एंड करना है अगर पार्टनरशिप, या उनको लेफ्ट करना है, या किसी का पर्सन का किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो इसकी क्या सारा सॉल्यूशन होगा या क्या उसका प्रोविजन होगा. मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर डिफरेंट पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. एंड वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर एक्सेट्रा, ठीक है, कितना वेदर इंटरेस्ट इज पेबल, कि कितना इंटरेस्ट क्या है पेबल हुआ है ऑन द लोन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द